हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृत। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमृत रेसिपीज में। आज मैं बनाने जा रही हूं कच्चे आम की गुड़ वाली बहुत ही टेस्टी मसालेदार चटपटी सी चटनी। ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हैं। आप इसे ब्रेड पे जैम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चपाती और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और साथ में ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी चटनी कभी ख़राब नहीं होगी, और मसाले कौन कौन से डालने हैं और कैसे डालने हैं जिससे आपकी चटनी और भी टेस्टी बनेगी। कच्चे आमों को कद्दूकस करने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलके बनाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। इसके लिए मैंने अपने पेड़ के बहुत ही प्यारे प्यारे ताजे हरे हरे आम लिए हैं। आपके पास जो भी आम हो आप ले सकते हैं, बस आम कच्चे होने चाहिए। इनको धो के पोंछ के सुखा के रख लिया है। अब मैं सारे आमों को छील लूँगी। देखिए, आमों को फलों का राजा बोला गया है। कच्चे आम हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। ये इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये गर्मी में हमें लू से बचाते हैं और हमारी कई पेट की समस्याओं को दूर रखते हैं। एसिडिटी, कब्ज को भी ये दूर रखते हैं। मैं अपने पेड़ के कच्चे आमों की बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए, जो आम मैंने छील के रखे थे उनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। आप कच्चे आमों को छील के कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं। आजकल बाज़ार में भी ऐसी मशीनें आई हैं जिसमें आप छील के, धो के, काट के डाल सकते हैं कच्चे आमों को, और आपको कद्दूकस किए हुए मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए, सारे आमों को हमने धो के छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक मिक्सर जार के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम डाल के पीस लेंगे। देखिए, चटनी में पानी बिल्कुल नहीं डालते। अगर पीसते वक्त थोड़ी दिक्कत हो तो आप हल्का सा पानी डाल के पीस सकते हैं, पकाते वक्त ये पानी सूख जाएगा। देखिए, हमने सारे आमों को छील के पीस लिया है। अब ये देखिए, कुछ पीसने के बाद ऐसे दिखेंगे। अब हम इसकी टेस्टी सी गुड़ वाली चटनी बनाएंगे। मैं गुड़ और शक्कर दोनों का इस्तेमाल करूंगी। मैंने 2 किलो आम लिए थे और छीलने के बाद, गुठली निकालने के बाद इसका वजन थोड़ा कम हो गया, उसके हिसाब से मैं 1 kg गुड़ लूँगी और उसमें 1 कटोरी शक्कर डालूँगी। देखिए, अगर आपने खंड वाली ही चटनी बनानी है तो आप खंड और मटीरियल को पहले गैस पे चढ़ाने से पहले मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई में अब मैं सारा मटेरियल डाल दूंगी और उसके अंदर मैं पिसा हुआ गुड़ और 1 कटोरी शक्कर डाल के उसको धीमी आंच पे पकाएंगे। गैस को स्लो मीडियम आंच पे ही रखना है और चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और ये देखिए, मैं अब इसके अंदर 1 कटोरी शक्कर डालूंगी और इसको धीरे धीरे हम मिलाएंगे और पकाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे स्लो मीडियम आंच पे हम इसको मिलाएंगे, हिलाएंगे और पकाएंगे। अगर इसका कलर, गुड़ को हम थोड़ा डार्क कलर का यूज करें तो चटनी का कलर और भी उभर के आता है। ये चटनी मीठी तो हो गई है, अब इसको मसालेदार चटपटी बनाने के लिए मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसके अंदर मैं स्वाद अनुसार सबसे पहले नमक ऐड करूंगी और उसमें लाल मिर्च डालूंगी, वाइट पेपर डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी और उसके अंदर पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। इसको स्लो मीडियम आंच पे पकाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे हमारी चटनी पक रही है और इसका कलर उभर के आ रहा है। आप इसके अंदर खड़े मसाले भून के पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे कि खड़ा जीरा, खड़ा धनिया, खड़ी लाल मिर्च, जो भी आपके किचन में मसाले खड़े उपलब्ध हो। इससे भी चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए, हमारी मसालेदार तीखी चटपटी चटनी बनके लगभग रेडी हो गई है। ये देखिए, इसका कलर उभर के आ गया है। अगर आपको अपनी चटनी लंबे समय तक स्टोर करके रखनी है तो आप इसके अंदर सिरका ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरी चटनी 1 kg से ऊपर है तो 1/2 कप लगभग मैं सिरका ऐड करूंगी। इससे आपकी चटनी कभी ख़राब नहीं होगी। नहीं तो आप इसको एक कांच की शीशी में, बॉटल में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसमें भी आपकी चटनी कभी ख़राब नहीं होगी। अब इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये चटनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। अब मैंने एक कांच का मर्दबान को धो के गर्म पानी से अच्छे से सुखा लिया है। मर्दबान के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और इसके अंदर मैं अपनी चटनी स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, जितनी ज़रूरत पड़े उतनी निकाल के
जूस कर लेंगे, इससे आपकी चटनी नहीं ख़राब होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, ताजो मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।